अफगानिस्तान ने मंगलवार को एशिया कप वनडे टूर्नामेंट के सुपर चार मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय प्रशंसकों के लिए इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी ऐसी कि शुरू में तो किसी को इस खबर पर भरोसा तक नहीं हुआ, लेकिन यह सच साबित हुआ। धोनी अफगानिस्तान मैच में टॉस के लिए पहुंचे और सिक्का उछालते ही उन्होंने वनडे में अपनी कप्तानी की डबल सेंचुरी पूरी कर ली। एशिया कप के फाइनल में स्थान पक्का कर चुकी टीम इंडिया ने इस मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया और धोनी को अपने 200वें वनडे में कप्तानी का मौका दे दिया गया। 37 साल के धोनी ने 696 दिनों के बाद टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है। 2017 में धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था और इसके बाद ही विराट कोहली को अपना उत्तराधिकारी बनाने का रास्ता बताया। इस मैच में भारतीय टीम में 5 बदलाव किए गए हैं। नियमित कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल को विश्राम दिया गया है। तेज गेंदबाज दीपक चहर अपने वनडे करियर का आगाज करने का मौका ले रहे हैं। टीम में केएल राहुल, मनीष पांडे, खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल को अंतिम 11 में जगह मिली है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।